इंट्रो शूट करने के लिए कब से वेट कर रही हूँ, पर ये कम वक्त कचरे वाली गाड़ी जा ही नहीं रही है यहाँ से। एनीवेज, हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? दिस इज मी प्लवी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ दोबारा अ डे इन माय लाइफ व्लॉग। यस, वैसे आज बेसिकली व्लॉग इसलिए शूट हो रहा है क्योंकि मैंने आज देखा कि सिल्वर का प्राइस कम हो गया है। वैसे काफ़ी दिनों से फ्लक्चुएट हो रहा है, पर इतना ही रह रहा है, 81, 82, 83, तो आई थिंक इतना ही है अभी भी। और बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और मुझे कुछ चाहिए था, मेरी मम्मी को भी कुछ चाहिए था, तो मैंने सोचा चलो ज्वेलरी शॉपिंग, यहाँ का ट्रैफिक, तो मैंने सोचा चलो ज्वेलरी शॉपिंग की जाए। तो आज हम दोबारा से जौहरी बाज़ार जाने वाले हैं और वहाँ एक्सप्लोर करने वाले हैं। उसके अलावा मेरी दिनचर्या आपको दिखने वाली है कि मैंने क्या किया। पहले मैं उठी, फिर मैंने पेस्ट किया, फिर मैंने मेरी क्लासेस ली, 7 to 10 मेरी डायरेक्ट टेक्स्ट क्लासेस होती है वो ली। पर उसके बाद मैंने खाना बनाया, उसका आपको वीडियो दिख जाएगा क्योंकि उससे पहले का मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं क्लासेस ले रही थी। फिर मैं अभी नहा धो के खाना पीना खा के, ठीक है, फ्रेशन अप होके रेडी होके फिर अपन चलेंगे जौहरी बाज़ार, और भी मुझे एक दो काम है वो भी करेंगे। और यस, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि ज्वेलरी शॉपिंग जनरली सभी लड़कियों को पसंद है, और स्पेशली जब वो ऑथेंटिक सिल्वर ज्वेलरी हो। तो यस, मेरा प्लान है कि मैं बहुत टाइम से, मेरे को चोकर लेना है। लास्ट टाइम जब मैं गई थी तब भी मैंने बोला था कि मुझे चोकर लेना है, पर मैं ले नहीं पाई थी क्योंकि बस बहुत भारी भारी सेट से हल्का कुछ भी नहीं था। तो आज अपन चोकर की वैरायटी एक्सप्लोर करेंगे, और जौहरी बाज़ार तो वर्ल्ड का सबसे फेमस मार्केट है ज्वेलरी के मामले में। तो यस, वहीं चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, कैसा मिलता है। और पहले तो मैं उसी शॉप पर जाऊँगी जिसमें मैं लास्ट टाइम गई थी, क्योंकि वो शॉप पर काफ़ी अच्छी रेंज थी, और मुझे झुमकीज़ भी लेनी है मेरी सिस्टर के लिए, और एक दो मैं खुद के लिए भी ले सकती हूँ। तो देखते हैं। तो यस, आज के ब्लॉग में यही सब होने वाला है। तो अगर ये वीडियो आपके इंटरेस्ट का है, मतलब अगर ये ब्लॉग आपके इंटरेस्ट का है और आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स प्लीज जंप इनटू द ब्लॉग। दिस इज़ मी वॉइस ओवर रिप्लवी। आई नो आपको इतनी ख़राब आवाज़ सुननी पड़ रही है मेरी गोल्डन कफ वाली, पर इट इज़ वॉट इट इज़, आई रियली कैंट हेल्प इट। तो मैंने उस दिन सोचा था कि मैं बनाऊँ करेले की सब्जी, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उसी की प्रिपरेशन मैंने ऑलरेडी कर रखी थी, और अब मैंने उसमें बढ़िया सा छौंका लगा दिया, सारे मसाले डाल रही हूँ। तो मेरी सब्जी अभी बन ही रही है, मैंने सोचा मैं रोटी बना लेती हूँ, कितने ये बनती है। इसमें बस लास्ट में मुझे थोड़ा सा सौंफ और डालना है फॉर फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए इसका। तब तक चपाती बना लेती हूँ मैं, इसके बाद नहा धो के फिर अपन खाना पीना खा के निकलेंगे शॉपिंग करने। ओके गाइस, तो मैंने खाना बना लिया है, और एक और बात की, आई नो कि मेरा बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा बुरा है, पर आई रियली कैंट हेल्प इट, मेरे पास बस यही चाहिए जहाँ मैं जाके शूट कर सकती हूँ। सो यस, थोड़ा सा इग्नोर कर देना इसे। तो अभी मैं खाना पीना खा के फ्रेशन अप होके फिर आपसे मिलती हूँ। या गाइस, दिस इज़ माई OOTD आउटफिट ऑफ द डे। मैंने कुर्ता ही पहना है क्योंकि हमको ज्वेलरी शॉपिंग करने जानी है, राइट? तो मैं गले में चोकर वगैरह डाल के देख लूँगी, एंड यू कैन सी द वेदर इज़ ऑल्सो प्रिटी मच क्लियर। तो मुझे नहीं लगता बारिश वाली कोई ज़्यादा समस्या आने वाली है। तो अभी बस मेरा दोस्त आने ही वाला है और फिर हम निकलते हैं। आज मैंने लास्ट टाइम की तरह कान में भी कुछ नहीं पहना है, इयरिंग्स वगैरह, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे कानों में बहुत दर्द हो गया था, क्योंकि कुछ झुमके भी देखने हैं मुझे मेरी सिस्टर के लिए, इसलिए मैं पहले से प्रिपेयर होकर जा रही हूँ। सो लेट्स सी क्या देखने को मिलता है, आई एम एक्साइटेड। काफ़ी गर्मी हो गई है, दो दिन पहले जयपुर बहने वाला था और अब काफ़ी गर्मी हो गई है। मैं अगेन अपना माइक लाना भूल गई हूँ, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा साउंड सुनाई देगा गाड़ियों का, ट्रैफिक का। जहाँ जहाँ मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा ही नॉइस हो रही है, वहाँ पे मैं वॉइस ओवर डाल दूँगी। अभी हम शॉप नंबर 230 ढूँढ रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने उन्हीं से लिया था और काफ़ी अच्छा कलेक्शन था उनके पास।
ओके दोस्तों, सो वी आर हियर एट शॉप नंबर 231 जगन्नाथ ज्वेलर्स। इस पर लिखा भी हुआ है शुद्ध सोने व चांदी के आभूषण मिलते हैं यहाँ पे। मैं लास्ट टाइम 230 पे गई थी, पर 231 पे मेरे को ऐसा रह गया था क्योंकि ये शॉप में ना उन्होंने ऐसे सोने चांदी का सामान ऐसे ठूस रखा, आप देख रहे होंगे हर जगह चांदी चांदी, ऐसा लगता है ऐसा आर्टिफिशियल भर रखा हो। तो यस, मेरे लास्ट टाइम ये विजिट करना रह गई थी, तो वैसे चलो पहले इसी को एक्सप्लोर करते हैं। फिर मैंने इनको बोला चोकर दिखाने को, तो उन्होंने मुझे बहुत बढ़िया वैरायटी में चोकर्स दिखाए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। इस शॉप पर एक बुढ़े अंकल बैठते हैं, वो थोड़ा खड़ूस है, पर ये भैया बहुत अच्छे थे। तो मैंने इन भैया से कहा था मुझे ऐसा चोकर दिखाओ जिसमें थोड़ा कलर भी हो, तो उन्होंने ये वाला दिखाया था और दिस इज़ द वन जो मैंने ख़रीदा है। पर ये मैंने मेरी मौसी को दे दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे वीडियो अटैच कर दिया क्योंकि मैं इसे आगरा पहन के गई थी। तो बहुत ही खूबसूरत चोकर है, मुझे 7,000 रुपीज़ का पड़ा। ओके, तो फिर मैंने इन भैया से कहा था मुझे थोड़े सिंपल और थोड़े पतले चोकर दिखाओ, है ना, जो थोड़े हल्के हो वेट में। तो फिर उन्होंने मुझे ये कलेक्शन दिखाया। अच्छा है वैसे, तूने पिछले वाले तो हो गए ज़्यादा, पिछले बार तो शायद वो लेता ना छोटा वाला लिया था। ओके, तो उसके बाद मैं ईयरिंग्स देखने लग गई थी ऐसे ही बीच में रैंडमली, और मैंने ईयरिंग्स परचेज कर लिए थे। दीज कॉस्टेड मी 2,700 रुपीज़, काफ़ी अच्छे हैं। पर ये लोग थोड़ा मेकिंग चार्जेस आई थिंक ज़्यादा लेते हैं क्योंकि बोलते हैं सब हैंडमेड होता है और बताते नहीं है, पर इन्होंने बताया था इनके मेकिंग चार्जेस कम से कम 25 रुपये से स्टार्ट थे, और वो पर प्रोडक्ट डिपेंड करता है कितना मेकिंग चार्जेस वो लेंगे। तो यस, वो वाला सही लगा, बड़ा वाला गोल वाला था ना वो। मैंने ना इस शॉप पे कम से कम आई थिंक 30 से 40 चोकर ट्राई किए थे। फिर मुझे इनकी ये जो शोकेस करके रखते हैं ना यहाँ पे चोकर पसंद आ गया था, एक नीचे आपको दिख जाएगा है ना ग्रीन वाला ये। फिर मैंने इनको बोला निकालने को, ये जितना भी आप सामान देख रहे हो ना सब इथेंटिक फाइन सिल्वर ज्वेलरी है। बहुत सारी चीज़ें तो ना ऐसे आंखों में दिखती नहीं है, पर जब मैं वीडियो और ऐसे एडिट करती हूँ तब मुझे लगता है ये कितना सुंदर है, ये कितना सुंदर, ये ट्राई करना चाहिए था। सो अभी मेरी मौसी, एक मौसी ने ऑर्डर दिया है मुझे कि मेरे को लेकर आने हैं ज्वेलरी, तो मैं वहाँ से दोबारा परचेज़ करूँगी। और यस, खुद के लिए भी लूँगी क्योंकि मेरा वाला चोकर तो मेरी मौसी को इतना पसंद आया था कि उन्होंने रख लिया। इन्होंने मुझे बहुत सारी वैरायटी दिखाई एक थोड़े हैवी चोकर से। ये पहले आपसे रेंज पूछ लेते हैं, तो मैंने 6-7 थाउजेंड बोला था, पर उन्होंने मुझे 10,000 तक के चोकर दिखाए थे। एवरीथिंग वॉज वेरी ब्यूटिफुल और मेरा तो हर चीज़ पर दिल आ रहा था, पर यह थोड़ा बजट का लोचा होता है, पर यस बहुत अच्छा लगा। ये कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे ये वाला अलग है और ये अलग है, ये वाला मिले ना। ये देख ले, अच्छा ऊपर वाला, बड़ा बड़ा ज्यादा है। अच्छा बड़े अच्छा है।
हाँ वो चमक थोड़ा शाइनिंग मार रहा है ना वो, तो दोनों में से एक लेना है तो फिर वो पुराना वाले चाहिए, पहले वाले। हाँ ओके दोस्तों, सो उसके बाद मैंने भैया से बोला कि मुझे अब कुछ बैंगल्स दिखा दो, क्योंकि मुझे देखने थे मेरे लिए, मेरी मम्मा के लिए। तो इन्होंने मुझे हर तरीके के बैंगल्स दिखाए। ये ऐसे वाले थे, थोड़ा ब्रासलेट काइंड ऑफ ना, जो अपन एवरी डे में, अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हैं, मैरिड वुमेन हैं तो आप पहन सकते हैं। पर ये मेरे हाथ पे मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। और इनके पास बहुत ही वाइड वैरायटी थी, कैसा भी आप कड़ा ले सकते हैं, चौड़ा पतला भारी है ना, मोटा हल्का, हर तरीके का बहुत ही अच्छी वैरायटी थी। मैंने ऐसे काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया और पहन पहन के भी देखा, कुछ भी मना नहीं कर रहे थे वो, काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। और मैंने काफ़ी टाइम लगाया था उस शॉप पर, आई थिंक मैंने 1.5 घंटा अपना वहाँ पे स्पेंड किया था। हर तरीके के बैंगल्स थे, ऐसे वाले भी थे, मुझे पता नहीं इनको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, पर अगर कोई जानता होगा तो वो रिलेट कर पाएगा। ओके तो ये वाला बैंगल तो मैं इतना मुझे पसंद आया था ना, आई एम इन लव विद दिस बैंगल। पर ये आई थिंक 140 ग्राम्स या कुछ का था, तो ये बहुत ज़्यादा हैवी था एंड दिस कॉस्टेड फॉर 14,000 रुपीज़। तो मैंने बोला मेरा पूरा बजट ही अकेला बैंगल ले जाएगा, बैंगल ले जाएगा, पता नहीं जुकाम को जैसे बोला और नहीं जा रहा है। तो मैंने वो नहीं लिया, पर मैंने मतलब मेरा मन नहीं हटा उस पे से, तो मैंने वो ट्राई करके ही छोड़ा, काफ़ी अच्छा था। फिर मैंने मुझे उसके अल्टरनेटिव्स भी दिखाए जो थोड़े छोटे और हल्के थे, पर मुझे नहीं पसंद आए वो। बहुत अच्छी वैरायटी थी, आप देख सकते हैं। ये वाले तो ज़्यादातर बंजारन लोग पहनते हैं, और ऐसे तो मेरे पास नकली भी था, हर तरीके के कड़े थे उनके पास, कैसे भी आप मतलब यू नेम इट एंड यू हैव इट वाला हिसाब था। ओके तो ये रहा उस दुकान का पूरा पिटारा जो उन्होंने डिस्प्ले कर रखा था। ओ माय गॉड, इतना तो उन्होंने डिस्प्ले कर रखा था, भगवान जाने कितना उन्होंने अंदर स्टॉक करके रखा होगा। ये सब कुछ ही ऑथेंटिक फाइन सिल्वर ज्वेलरी है, दीज आर ऑल द बैंगल्स। बहुत ऐसे हैं जो अपन डांडिया नाइट्स पे और वैसे पहनते हैं ना, बंजारन लोग जो पहनते हैं उस तरीके के, थोड़े कड़ूले टाइप्स में भी थे। इनके पास पाजेब भी थी, बहुत मोटी मोटी, और मतलब आप जो सोच सकते हो ना वो इनकी शॉप पे आपको मिलेगा। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, अच्छा है वैसे। क्योंकि तो जब मैं वीडियो बना रही थी ना, तो तभी मैंने इन चूड़ियों को देखा था, ये चूड़ी हैं और इसका सेट लेना पड़ता है, कितने भी आप ले सकते हो। तो मैंने दो ली एंड दिस कॉस्टेड मी 4,000 रुपीज़। थोड़ी ये ऐसी थी लड़कियों टाइप्स की, अच्छा लगा मुझे, ऐसा लग रहा था कि कुर्ते वगैरह पे पहनेंगे तो थोड़ा अच्छा प्यारा लुक देगा, थोड़ा लड़कियों टाइप की थी। वो जो कड़े थे वो थोड़े ज़्यादा ऐसे थे, थोड़े क्या बोलूँ, औरतों टाइप के है ना, ये थोड़ा ज़्यादा लड़की वाली वाइब दे रहा था। फिर मैंने उनको बोला पाजेब दिखाने को, तो उन्होंने मुझे इतनी सुंदर सुंदर पाजेब की वैरायटी दिखाई, मोटी मोटी, और मैंने इनको फ़ोटो दिखाई, तो उन्होंने मुझे एग्जैक्टली वैसी ही पाजेब दिखा दी। ओके तो बस इतना ही था जो मैंने शॉप नंबर 231 से लिया। आप डेफिनेटली उस शॉप को जाके विजिट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा शॉप है, मैं रिकमेंड करूँगी। बस बुढ़े अंकल से मत उलझना, ये वाले भैया सही थे। उसके बाद मैं चली गई शॉप 230 पे, क्योंकि मुझे मेरी सिस्टर के लिए लेनी थी ज्वेलरी। उसने बोला था मुझे ऐसे मीनाकारी वाले क्या बोलते हैं इन्हें, झुमकियाँ चाहिए। यस अभी मैं वीडियो देख के वॉइस ओवर करी ना, तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे पेयर्स दिख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इनको ट्राई क्यों नहीं किया। तो यस, मैंने मेरी सिस्टर के लिए मीनाकारी वाली झुमकी ली, उसको चाहिए थी। मेरे पास तो है लेकिन चांद वाली है मेरे पास, और उस टाइम रेट था चांदी का 83,000 रुपीज़। और इनके ना मेकिंग चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, और थोड़ी बड़ी शॉप्स होती है वो थोड़े और ज़्यादा मेकिंग चार्जेस लेती है, पर ये हमें पड़ी थी 2,450 रुपीज़ की। नंबर 231 पे गए थे, लास्ट टाइम मैं 230 पे गई थी, पर उसमें कुछ इस बार कुछ नया नहीं था, वही था जो मैंने लास्ट टाइम परचेज़ किया था। तो 231 शॉप नंबर थी जगन्नाथ एंड ज्वेल्स, और उनसे मैंने चांदी की आभूषण ले लिए काफ़ी सारी, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। पर मेकिंग चार्जेस उनके मुझे थोड़े ज़्यादा लगे, पर मैंने ओवरऑल में पैसे कट करा लिए थे 400-500 रुपये। तो ठीक है, अभी हम कोई और शॉप देख रहे हैं, क्योंकि मेरे को वहाँ पे इयर रिंग्स नहीं समझ आए।
मैं अभी किसी और शॉप पे इयरिंग्स देखती हूँ मेरे चोकर के साथ, क्योंकि उनके पास जो चोकर थे ना वो विदाउट इयरिंग्स थे। तो गाइज मैं किसी और शॉप पे जा ही नहीं पाई क्योंकि इतना तेज़ तूफान आ गया था, बारिश आ गई थी, सुबह ऐसी धूप निकल रही थी, तो मैंने बोला था आज बारिश आने के चांसेस नहीं है, लेकिन पूरा जयपुर ही बह गया था उस दिन बहुत ज़्यादा। हमें चलते चलते बीच में थोड़ा छोटा सा कैफ़े मिल गया और उनको हमने इतना थैंक यू बोला ना कि थैंक यू आपने इस जगह ये कैफ़े बना रखा है, हम इधर जाके बैठ गए क्योंकि घुटने तक पानी भर गया था, चलने की जगह नहीं थी। तो ऐसे हमने यहीं बैठ के अपनी चाय इन्जॉय करी, हाँ, और बारिश रुकने का वेट किया। भैया इसमें चीनी नहीं है, चीनी शुगर लेकर आना। बहुत तेज बारिश हो रही है, देखते हैं कब निकल पाते हैं यहाँ से। वो वीडियो वहाँ ख़त्म हो गई थी जब मैंने आपको दिखाया था कि बहुत ज़्यादा पानी भर गया है, हम पूरा ना थाइस तक पानी में भीग गए थे, हमारा स्कूटर बस रह ही गया बंद होते होते, वो तो फसीनो था, बाकी सबके एक्टिवा तो बंद हुए पड़े थे। हमने बहुत मुश्किल से अपनी गाड़ी निकाली घर आए, तो मैं सब मतलब आगे का कुछ भी दिखाना मतलब मेरे दिमाग में नहीं रहा कि मुझे आपके साथ शेयर करने की मैंने क्या लिया। और अभी मैं मेरे घर पर हूँ, आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा, अभी मेरे को बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो मैंने सोचा इस वीडियो का तो आउट्रो शूट कर ही लेती हूँ क्योंकि मुझे कोई ना कोई वीडियो तो अपलोड कर ही नहीं है। इट्स बिन 2 वीक्स और मतलब 3 ही हो जाएंगे शायद अब तक ये वीडियो आपके पास आएगा, मैंने कुछ भी नहीं अपलोड किया है और ये वीडियो मैं बहुत टाइम से बना के बैठी हुई हूँ। मतलब इतनी तबीयत ख़राब है ना कि मैं एडिटिंग भी नहीं कर पा रही थी और मेरी क्लासेस भी काफ़ी पेंडिंग हो गई इस वजह से, पर यस इट इज़ वॉट इट इज़। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली, आपको वीडियो में दिख जाएंगी, मैं वहाँ पे है ना एरो डाल के बता दूँगी कि मैंने ये लिया वो लिया, क्योंकि मेरा चोकर मेरी मासी को बहुत पसंद आ गया था, तो हम जब रक्षाबंधन पे वहाँ गए थे तो वो उन्होंने ले लिया था, मैंने भी उन्हें दे दिया, मुझे अच्छा लगता है। तो फिर हाँ, और उन्होंने मतलब बेसिकली उन्होंने वो ख़रीद लिया और अब मैं दोबारा जब चांदी सस्ती होगी तब लूँगी, क्योंकि अभी चांदी बहुत महंगी हो गई, 87,500 की हो गई है दोबारा से, और उस दिन जिस दिन मैंने परचेज़ की थी उस दिन 83,000 की थी। सो यस, चोकर का कहीं वीडियो मिलेगा तो डाल दूँगी, क्योंकि मैं जब ताजमहल गई थी देखने तो मैंने वो डाला था। आई होप आप वो शॉर्ट्स इन्जॉय कर रहे होंगे, सब कुछ जो भी मैं डालने वाली हूँ वो प्री शूटेड है, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा तबीयत सही होने में, होपफुली जल्दी ठीक हो जाऊँ, बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है तो आप लोग भी ध्यान रखना। सो या गाइज, दैट इज़ इट, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी सेफ, बी पॉजिटिव एंड डू नॉट फॉरगेट दैट आई लव यू ऑल सो मच, बाय।